हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मिसेस रोहिणी। आज हम एनिमल म्यूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। एनिमल म्यूल को हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं। ये एक हाइब्रिड स्पेसिस है। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होती है, इसमें दो अलग स्पेसिस को कंबाइन करके एक तीसरी अलग स्पेसिस निर्माण की जाती है। हाइब्रिडाइजेशन It is a combination of two different species and it gives birth to third one, a particular different species. वैसे ही खच्चर बोले तो म्यूल इस एनिमल का है। ये एक हाइब्रिड स्पेसिस है। इसमें जैक बोले तो नर गधा और मेल मादा घोड़ी, इनके बीच रिप्रोडक्शन किया जाता है और इनके रिप्रोडक्शन से म्यूल इस एनिमल का जन्म होता है, जिसे हम खच्चर नाम से पहचानते हैं। अब इसमें जाक और मेयर के जो कुछ भी गुण है वो म्यूल में आ जाते हैं। बोले तो गधा और घोड़ी के जो गुण है वो मिक्स हो जाते हैं और खच्चर में आ जाते हैं। इसलिए खच्चर हॉर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें सहनशीलता ज्यादा रहती है और ये पहाड़ी इलाके में यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है और ठंडे और पहाड़ी इलाके में इसका यूज ज्यादातर किया जाता है। खच्चर का सामान ढोने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। खच्चर ये गधा और घोड़ी से पैदा हुआ वाला एक एडवांस्ड स्पेसिस है। अब ये एडवांस्ड क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी गुण घोड़ों के स्पेसिस में रहते हैं, जो कुछ भी गुण डोंकीज के स्पेसिस में रहते हैं, इन दोनों के स्पेसिस से मिलाकर कुछ एडवांस्ड बन जाता है। जैसे कि घोड़ा दौड़ने में रनिंग में सबसे बेस्ट होता है और डोंकी इंटेलिजेंट होता है। हाँ, उसे काम करने की इच्छा नहीं रहती लेकिन वो इंटेलिजेंट रहता है। अब ये घोड़े का दौड़ने का स्किल खच्चर में आ जाता है, वो दौड़ सकता है। दूसरी चीज, जो डोंकी के प्रजाति में डोंकी इंटेलिजेंट है, उसका टैलेंट भी खच्चर में आ जाता है। इसके लिए खच्चर बेहतर है। जैसे कि आज का जनरेशन अपने माँ बाप से ज्यादा बेहतर होता है, ये चीज एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। अब ये जो खच्चर है भारतीय सेना में, भारतीय आर्मी में यूज किए जाते हैं, क्योंकि उनके पावर की वजह से, उनके काम करने के स्किल के वजह से, क्योंकि ये जल्दी थकते नहीं है। हमारे भारतीय आर्मी में बहुत सारे म्यूल्स का यूज किया जाता है। हमारे भारत में ऐतिहासिक परंपरा है कि यहाँ घोड़ों को विशेष दर्जा दिया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है। हमने फिल्मों में देखा है, स्टाइलिश घोड़े रहते हैं और उनको एक खास दर्जा मिलता है। वैसे खच्चरों को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। यह है कि हमारे भारतीय आर्मी में पेडोंगी नाम का एक खच्चर बहुत फेमस है, कि उसने 30 साल तक भारतीय आर्मी को अपनी सेवा दी है। वैसे तो 10 या 12, ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक एक म्यूल अपनी सेवा देता है भारतीय आर्मी में, उसके बाद उसको रिटायर किया जाता है। लेकिन पेडोंगी नाम का जो एक म्यूल था वो बहुत शक्तिशाली था, उसने 30 साल तक लगभग भारतीय आर्मी को अपनी सेवा दी है, इसलिए उसका सम्मान भी किया गया है। म्यूल घोड़ों से ज्यादा, ये जो खच्चर है वो घोड़ों से ज्यादा उनकी इनका आयुमान रहता है। एक घोड़ा 25 से 30 साल तक जी सकता है, लेकिन एक खच्चर 50 साल तक जी लेता है। इसलिए ये म्यूल घोड़ा और डोंकी से ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।